Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्यों शादी नहीं करना चाहता? जान जिसको मैं पसंद करता हूँ वो मान नहीं रही। तो फिर हमारी पसंद से कर ले शादी। शादी तो तूने करनी है। जान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ये जान मैं चाहता हूँ जहाँ पे फातिमा का रिश्ता टूटा है वो रिश्ता वापस से जुड़ जाए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? हम थूक कर चाटे। उनकी नजर में गिराना चाहता है तू हमें? बेजान ऐसी कोई बात नहीं। अरे वाह, आज तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। ओ यार, आज फातिमा की कॉल आई थी। वो तभी तुम्हारे चेहरे पे इतनी रौनक है। यार आतिफ, अब मुझे अपनी मंजिल बड़ी आसान नजर आ रही है यार। अरे बात क्या है वो तो बता। यार वो फातिमा का भाई नहीं उजान, उसने फातिमा से मेरे बारे में पूछा था। तो फिर फातिमा ने क्या कहा? वो उसने क्या कहना था? मैं कहा मैं भी पसंद करती हूँ। तो उजान ने क्या कहा? उसके भाई ने कहा वो हमारी मदद करेगा। यार ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया। यार वाकई ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, सब अल्लाह की तरफ से हुआ है यार। तुझे तो पता मैं कितना परेशान था। एक भाई तेरे खिलाफ था तो दूसरा तेरे हक में हो गया। और तुझे पता है वो मोबाइल फोन वाला मसला भी हल हो गया। अरे वाह, वो कैसे? आयजा के पास एक एक्स्ट्रा फोन था, उसने फातिमा को दे दिया। ओ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में है। चल मछली तो लगी नहीं, आ तुझे कुल्फी खिलाता हूँ। बड़ी परेशान थी, कह रही थी दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो बड़ी बेगम साहब उन्हें छोड़कर क्यों आई हैं? वहाँ बड़े साहब और बड़ी बीजान है ना? उसके लिए तो वहाँ बड़े साहब मौजूद हैं। कोई और ही बात होगी। अल्लाह जाने क्या बात है। खैर जो भी है, बस अल्लाह छोटी बीबी को जल्द से जल्द सेहत दे दे। अच्छा चल अब तो काम कर, मैं आती हूँ। क्या हुआ राष्ट्र आंटी, आपने मुझे बुलाया था? आप रो क्यों रही हैं? दिलावेश कैसी है अब? मेरी बेटी की जान को खतरा है। तो मतलब क्या उसकी जिंदगी को खतरा है? मेरी बेटी को, ये बेटी को सिर्फ तुम बचा सकते हो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मुझे पता है ना मेरी बेटी को क्या हुआ और वो कैसे बच सकती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे, अरे, अरे मैं तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। क्या कर रही हैं आप, ऊपर तो बैठिए। मतलब मैं कैसे बचा सकता हूँ आपकी बेटी की जिंदगी? औजान तुम ही मेरी बेटी को मौत के मुंह से बचा सकते हो। मगर कैसे? तुम मेरी दिलावेश से शादी कर लो। उजान पुत्र, अब ये तेरी मर्जी है, फैसला तेरे हाथ में। और पुत्र शायद इस तरह उसकी जिंदगी दोबारा आबाद हो जाए। पुत्र असि तेनु मजबूर नहीं करांगे। उजान पुत्र, दिलावेश तेरे भाई की बेवा है, अगर तू उससे शादी नहीं करेगा तो वो ये कार छोड़ के जा भी सकती है। पुत्र वो तेनु खुश रखेगी, इस गल दी गवाही ते मैं भी देनी आ, वो तेरे नाल बड़ी मोहब्बत कर दी है। और वैसे भी तू आजकल बहुत दिलावेश के करीब होते जा रहा है।
बाबा जान, वो तो मैं हमदर्दी की तौर पे उसके करीब गया था। उजान पुत्र, तुझे बुलाने का मकसद ये है कि अब हम कोई भी फैसला करके अपने बच्चों की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप लोगों ने इरादा कर ही लिया है तो। ये हमारा इरादा नहीं होता, ख्याल है कि अगर तू दिलावेश से शादी कर लेगा तो ना सिर्फ दिलावेश का घर बच जाएगा बल्कि मीरान का बच्चा भी दर बदर होने से बच जाएगा। उजान पुत्र, जा अपने कमरे में, जा आराम से सोच, फिर जो फैसला कर ले वो हमें बता देना। हाँ पुत्र, तू चंगी तरह सोच ले, सानू कोई जल्दी नहीं है, मैं दोबारा नहीं तेनू खोना चाहती। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब दोहराए पे आकर खड़ा कर दिया। आयजा भी तो मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं। दिलावेश से शादी करके कम से कम इसकी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाएगी। अगर दिलावेश को अपना लेने से इसकी जान बच सकती है तो मुझे उसको अपना लेना चाहिए। काशान मेरा अपना ही तो खून है। आप चिलम दा क्या हो? अच्छा तू मेरे को दस, ये उजान मार जाएगा इस बात? लगता तो है मलिक साहब की पता मन जाए। ये कैसे कह सकती है तू? मैं उदी अखा तो अंदाजा लगाया है और अखां कदियां झूठ नहीं बोलदियां। बंदा पहचानने में तो लगता है शनास तूने डिग्री हासिल कर रखी है। बस अंदाजा लगाया है जी। तो आपके ख्याल में मलिक साहब वो राजी नहीं होएगा? अभी कुछ कह नहीं सकते शनास। क्यों मलिक साहब, फिर भी कुछ अंदाजा तुसी भी लाया होएगा ना? तो मैं भी इंसान हूं शनास, कभी कभी हमारे अंदाजे भी तो गलत साबित हो सकते हैं ना। और वैसे भी हमने उसको सोचने के लिए कहा हुआ है। मलिक साहब, ए तो तुसी बड़ा चंगा किता है, अपनी मर्जी चलाने के बजाय आपने फैसला उस पर छोड़ दिया। जी तो बहुत जरूरी था शनास, वरना एक मरतबा हमें और उसकी जुदाई को सहना पड़ता। सही जी। वैसे मलिक साहब तुसी ठीक ही कह रहे हो। वैसे अभी उसे आयजा के मुतालिक तो कुछ भी नहीं पता ना? नहीं जी, अभी तो उसको कुछ नहीं मालूम। और तू फातिमा को हर वक्त इस बात का एहसास दिलाते रहना कि ऐसा कोई तस्किरा ना करे उसके बारे। मलिक साहब, तुसी औजान दे बारे सोच रहे हो, कुछ फातिमा दे बारे विच भी तो सोचो। उसकी हमें भी फिक्र है शनास, करते हैं उसके लिए भी कुछ। माँ बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? तुझे पता है दिलावेश, अब ना एक उम्मीद हो चली है। कैसी उम्मीद है माँ, हमें भी तो पता चले। ना उजान ना अब तुझसे शादी के लिए मान जाएगा। अब मगर अम्मा वो राजी कैसे होगा? ना राजी होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा।
कैसे है माँ? ना अब उसको राजी करने के लिए ना हमारे पास एक हथियार मौजूद है। वो क्या? ना दिलावेस तू भी ना। काशान, काशान है अब इस खानदान का इकलौता वारिस, अकेला चश्मचराग। हाँ माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तुझे पता है दिलावेस, मैंने उसे मनाने के लिए ना उसकी बहुत मिन्नत समाजत की थी। वालेकुम अस्सलाम गिल साहब, कैसे सर? मेरान, तुमने कुछ सोचा? किस बारे में? हमारे होने वाले बच्चे के बारे में। मुझे तुझसे और तेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं। अब तुमने कुछ तो सोचा होगा अपने बच्चे का नाम। मैंने तो सोचा हुआ, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम शामिर, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम रिहाब। और मैंने तुझे बोला है ना, मुझे तुझसे और तेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो अपनी बकवास है ना, ये जाके किसी और के सामने किया कर। क्या मतलब किसी और के सामने करूं? ये बातें मैं तुमसे नहीं तो और किससे करूंगी? मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर। मलक मेहरान उस शहर का नाम जो किसी की जिंदगी में एक बार शामिल हो जाए ना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। समझ पड़ी है तुझे? चल। हेलो। और कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और बताओ, डैडी से बात हुई थी? अंकल से बात हो गई थी। मैंने उनको तुम्हारे लिए भी एक मशवरा दिया है। मशवरा? कैसा मशवरा? वो तो खुद दूसरों को मशवरा देते हैं और उसकी फीस भी चार्ज करते हैं। वो तो फीस लेते हैं, लेकिन जो मैंने उनको मशवरा दिया है वो बिल्कुल फ्री में दिया है। ऐसा क्या मुफ्त में मशवरा दे दिया भाई, मुझे भी तो बताओ। यही कि वो तुम्हारी शादी करके घर में बहू ले आए। शादी? ये मशवरा दिया तुमने? क्यों, अच्छा नहीं लगा? हाँ बहुत अच्छा है, बल्कि उल्टा तुम्हें शादी का मशवरा दिया होगा उन्होंने। नहीं ये तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारा जवाब बता दिया। क्या जवाब? यही कि तुम पहले एस्टैब्लिश होना चाहते हो, उसके बाद शादी करोगे। तो ये ठीक नहीं है क्या?
सही कहते हो, मैंने भी यही कहा था उनसे। अच्छा वेल, ये बताओ कब आ रही हो कराची? अभी कुछ नहीं कह सकती, आऊंगी तो बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ बैठी हुई हो? तुम्हारे मोबाइल में कब से कॉल कर रहा? क्यों? क्यों कॉल कर रहे थे मुझे? क्यों, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकता क्या? मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? अजान, तुमने देखा नहीं लोग हमारे बारे में क्या बातें बना रहे थे? वो मैंने सबको क्लियर कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। हमें यहाँ बातें करता देखेंगे तो और बातें बनाएंगे। देखो, हम यहाँ लॉन में बैठे हुए, अब हमें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। कोई कुछ भी समझे, लेकिन समझ नहीं आता हुआ क्या है तुम्हें। ना ही समझो तो बेहतर है। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा आयजा? वो माजी की बात है। माजी को भूल जाओ। तुमने भुला दिया? कोमे में रहने के बावजूद भी मुझे अपना माजी याद है। तुम अगर मुझे भूल भी जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्यार के मफहूम को समझ ही नहीं पाओगे। औजान, हमारी मंजिल जुदा है। चलो जुदा ही सही हमारी मंजिल है, मगर तुम कुछ दूर तो मेरे साथ चल सकती हो, जहां पे हम अपने माजी को याद कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं है आयजा।